Welcome to SG Inceptions. Today, after a long time, I am at Bangalore at Karnataka Aquarium to cover amazing exotic pets and reptiles. So this is the first video and many more videos will be coming out soon. So let's meet with Mr. Syed Liaqat. Hi Syed bhai, kaise ho aap? तो भाई बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कर्नाटक एक्वेरियम की वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो, बहुत लंबा समय हो गया। बहुत सारे लोग जो आपके फैंस हैं, आपके चाहने वाले, आपके आपसे नाराज है, पूछ रहे थे कि क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो, क्यों नहीं डाल रहे हो वीडियोस, तो वो पहले बताना चाहेंगे आप? वजह आप ही हो भाई, क्योंकि आप बहुत दूर रहते हो इधर से, बैंगलोर से। जी, बैंगलोर के नजदीक रहते तो आते जाते वीडियो बनाते रहते थे, आपको टाइम नहीं मिलता पहली बात, और दूसरी बात मुझे टाइम नहीं मिलता जी, क्योंकि आपके लिए अलग से टाइम देना पड़ता है, आप काफी दूर से आते हो, अगर प्रॉपर टाइम नहीं आपको नहीं दे सकूंगा तो मतलब ही नहीं है इधर इतनी दूर बुलाके भी आपको जी। इस वजह से तो भाई हमारे प्रीवियस वीडियोस के ऊपर बहुत अच्छा रिस्पांस आया, बहुत सारे लोग आप जो भी पेट्स दिखाते हो पसंद करते हैं एंड आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, तो हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ कहना चाहोगे आप? थैंक यू फॉर सो मच, बिकॉज ऑफ व्यूअर्स ओनली हम इतना मतलब आगे जा चुके हैं, और यही मैं हमारे सब्सक्राइबर्स को बोलना चाहूंगा, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए कर्नाटका एक्वेरियम को, बिकॉज कर्नाटका एक्वेरियम इज द ओनली वन पेट शॉप इन थ्रू आउट इंडिया हु इज शोइंग लीगल टर्टल्स प्लस रेप्टाइल्स, और आपकी हॉबी को भी पूरा कर रहे हैं। काफी सारी जगह मैंने देखा हुआ है, अभी काफी सारे लोग इनको सेल भी कर रहे हैं, तो मैं इनसे जल नहीं रहा हूँ, काफी खुश हो रहा हूँ, बिकॉज मेनी पीपल आर ट्राइंग टू सेल द रेप्टाइल्स बिकॉज ऑफ हॉबी, क्योंकि हॉबी पहली बात तो पहलाना काफ़ी अच्छी चीज़ है, अलग अलग चीज़ों से, गलत चीज़ों में रहने से एक अपने पेट की हॉबी कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, और काफ़ी सारे लोग अभी यूट्यूब पे प्रमोट भी कर रहे हैं रेप्टाइल्स, उनके बता रहे हैं कि हमने क्या पाला हुआ है। ऐसे ही मैं एक चैनल देख रहा था तो उसमें भी आई थिंक आप भी बताए हों, उसमें भी काफ़ी सारे लोग मतलब जो पाल रहे हैं वो बता रहे हैं उनका, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख के कि भाई काफ़ी सारे लोग जो है रेप्टाइल्स रखना चालू किए हैं, नंदन डॉग्स एंड कैट्स, बिकॉज डॉग्स एंड कैट्स आज कॉमन हो चुके हैं, प्लस कॉमन माने वो भी पेटी है लेकिन उनका जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा आता है जी। तो इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग, मेरे ख्याल से पहली बार इंडिया में इतनी वैरायटीज हम लोग दिखाने वाले, तो क्या दिखा दे भाई? देखिए भाई, पहले तो मैं इनके बारे में बता दूंगा, ये सब टर्टल्स जो है वो मैनी टर्टल्स जो है, काफ़ी टर्टल्स जो है वो मैं खुद ब्रीड करता हूँ, और काफ़ी लोग देख के कन्फ्यूजन भी हो जाते हैं के टर्टल्स इतने वैरायटी इनके पास आते किधर से हैं, क्योंकि सुबह से मुझे ऑलमोस्ट 10 लोग पूछ चुके हैं कि भाई इतना वैरायटी किधर से लेके आते हो, तो ऐसे वैरायटीज जो है मुझे ब्रीड करने में, मुझे इनके बच्चे बनाने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, बिकॉज जब एक कछुआ पाल रहे हो आप, अगर उसके बच्चे निकलेंगे आपको तो आप सोचो कि मन की खुशी एक शांति क्या अलग रहती है, तो ऐसा मुझे एक किक मिलती है इससे, जो टर्टल्स जो है रेप्टाइल जो है वो मेरे पास बच्चे बना रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। इसी ब्रीडिंग सिलसिले से लेके मैंने ऐसे काफ़ी सारे जो है ब्रीडिंग रेप्टाइल्स, ब्रीडिंग टर्टल टॉर्टाइस जो भी है वो रखना स्टार्ट किया, तो आज उनका रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है, और थैंक गॉड मैं यही बोलना चाहूँगा कि इतना अच्छा रिजल्ट इंडिया में मे बी मेरे अलावा कोई कर रहा है, तो बस मैं आपको टर्टल्स वैरायटी दिखाऊंगा, क्योंकि आप बोल रहे होंगे कि भाई इतना बोलने से अच्छा है पहले दिखाओ जी। तो मैं आपको टर्टल्स दिखाऊंगा, आप पहले टर्टल्स देख तो सकते ये हैं। रहे फर्स्ट टाइम आई एम वाचिंग सो मेनी वैरायटीज ऑफ टर्टल्स एट वन शॉप, सो देखिए कितने सारे हैं, पहले यहाँ पर स्मॉल साइज के हैं एंड बड़ी इंटरेस्टिंग से अनकॉमन से भी टर्टल्स है जो हमको कहीं और देखने को नहीं मिलते, तो भाई बताना चाहेंगे सबके नाम एक एक से? तो भाई मैं पहले तो इनसे स्टार्ट करूंगा, बिकॉज ही इज अ डेंजर टर्टल ऑन अर्थ, बिकॉज इसकी जो बाइट फोर्स रहती है काफी, मतलब जो हिप्पोपोटामस का बाइट फोर्स रहता है जी, इसको सेम बाइट फोर्स माना जाता है, ओल्ड वर्ल्ड लॉन्गेस्ट टेल टर्टल भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ी कोई टर्टल की टेल नहीं रहती है, और ये डायनासोर जैसे डायनासोर के जमाने में जो कछुए आते थे जी जी, तो ये वही कछुआ है, ये डायनासोर प्रजाति का ही, अनकाइलोसॉरस डायनासोर का सेम ऐसा ही कट है हाँ एग्जैक्टली, तो ये डायनासोर को बिलोंग करते हैं, और काफी सारे रेप्टाइल्स है वो डायनासोर के टाइम से ही जो है वो बिलोंग करते हैं जी। तो ये कॉमन स्नैपिंग टर्टल है, आप देख रहे हैं हैचलिंग साइज, तो ये 18,000 रुपीस ईच पीस है, आप इसका बैक शेल भी देख सकते हैं, बस इतने से छोटे शेल से जो है ये
पूरी बॉडी इसकी सर्वाइव करती है okay. और इसमें मेल फीमेल भी है मेरे पास, अगर किसी को ब्रीडिंग करना है तो वो भी इनका ले सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, पाल सकते हैं okay. तो मेरे पास इसमें मेल फीमेल भी है, कॉमन स्नैपिंग में आप देख सकते हैं काफी सारे मेरे पास जो है वो कॉमन स्नैपिंग टर्टल्स अभी अवेलेबल है जी। तो ऐसे आप देख सकते हैं काफी सारे मेरे पास जो है स्पीशीज है okay. और इसमें काफी सारे वैरायटीज भी है जो मेरे पास वो अवेलेबल है okay. जो रेगुलर, जैसे कि मैं हर बार आपको जब भी आते हैं तो मैं आपको एक टर्टल बताता हूँ, ये कॉमन रेडियर स्लाइडर टर्टल है okay. तो इसको भी लोग जो है वो ज्यादा पसंद करते हैं रेडियर स्लाइडर टर्टल को। और रेडियर स्लाइडर टर्टल का जो प्राइस है वो पेयर का आपको 1200 रुपीस पेयर पड़ जाएगा okay. और मेल फीमेल इसमें मिल जाएगा। और रेडियर स्लाइडर वैरायटी में ही आपको ये नया स्पीशी लेके आया हूँ okay. इसको पीकॉक टर्टल बोलते हैं आप। इसकी मार्किंग जो देख सकते हैं पूरी पीकॉक की जो टेल है yes. सेम पीकॉक टेल ही है ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऑनेस्टली एग्जैक्टली, क्योंकि काफी सारे लोग इधर जो भी आए हैं तो ये सब पूरे फर्स्ट टाइम ही देखे हैं okay. क्योंकि मैंने इनमें म्यूटेशंस जो है काफी ट्राई कर रहा हूँ नई वैरायटी कुछ निकाल सके okay. तो ये के जो भी है नई वैरायटी तो नहीं है, लेकिन ब्लड लाइन चेंज होने से जो है इसके काफी ब्यूटीफुल स्पीशी निकली है yeah. इसको पीकॉक टर्टल बोलते हैं। ये ऑलमोस्ट मेरे पास 300 बेबीज जो है वो निकले हुए थे। क्या प्राइस में आएगी इसका? एक पीस का 4500 रुपीस पीस है okay. आप इसके आईस वगैरह देख सकते हैं, सेम रेडियर स्लाइडर है लेकिन ये रेड ईयर नहीं है, येल्लो ईयर है okay. आप देख रहे हैं ना, क्लीन से रेड ईयर नहीं है इसका, येलो ईयर है right. तो इसका आप पीकॉक शेल भी देख सकते हैं, काफी ब्यूटीफुल लगेगा जब बड़ा हो जाएगा जी. अभी तो काफी सारा छोटा है जी. तो उतना आपको कलर नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन अभी भी बच्चे में भी आप देख सकते हैं काफी ब्यूटीफुल लुक है इसका। आप yes. इधर देखिए ना भाई, सेम अगर पीकॉक जैसा है ही नहीं तो बताओ जी, ना जी. सेम पीकॉक है, एग्जैक्टली पीकॉक फेदर की जैसा। हाँ, और शाइन भी कर रहा है, ब्लू शाइन भी कर रहा है। तो ये पीकॉक टर्टल है, बड़ा ही और है। ये आपका पिंक बेली साइड नेक टर्टल इसको बोला जाता है। आप okay. इधर देख सकते हैं पिंक बेली है। ओ यस, हाँ काफी ब्यूटीफुल आता है yes. और इसमें काफी सारे स्पीशीज भी आते हैं पिंक बेली में। अभी तो ये पिंक बेली साइड नेक टर्टल है okay. आप देख रहे हैं कितना, मतलब ये शर्मिले टर्टल्स हैं। अच्छा। इनको जैसे ही हाथ में लिए okay. तो ये गर्दन मोड़ लेते हैं। साइड नेक क्या प्राइस आएगा? इधर भी है देखिए, जैसे अभी ये इसकी गर्दन देखिए कैसे मोड़ लेगा, उठाया हाथ में गर्दन मोड़ लिया, ऐसे टच करने गर्दन मोड़ लेते हैं। यस। ओ अभी हम देख सकते हैं प्रॉपरली। हाँ इसकी जी। तो ये पिंक बेली टर्टल है, इसका जो प्राइस है वो 15,000 रुपीस ईच पीस है okay. पिंक बेली का। तो इसमें मैंने आपको अभी 3 से 4 वैरायटी के टर्टल बता चुके हैं और इसका नाम आप गोल्डन ट्रेड टर्टल है okay. ये गोल्डन ट्रेड टर्टल भी आपको 4,500 रुपए में आ जाएगा जी। गोल्डन ट्रेड टर्टल यस। तो ये थ्रेड जैसे पैटर्न है इसको, एग्जैक्टली इसको गोल्डन ट्रेड टर्टल बोला जाता है और चाइनीज लॉन्ग टेल टर्टल भी बोला जाता है बिकॉज ये भी रेडियर स्लाइडर टर्टल की तरह ही हो जाते हैं, सेम एज इट इज लुक में आपको सेम रेडियर स्लाइडर टर्टल की तरह ही लगते हैं जी। और इसके इसका जो प्राइस है वो ईच 4,500 रुपीस ईच पीस है okay. और इसका आप शेल बैक शेल देख सकते हैं, लुक वाइज भी काफी ब्यूटीफुल आता है इसका okay. और ये भी बड़ा होने पे काफी अच्छा लगता है और ये इसमें भी मैं आपको मेल फीमेल मिल जाएंगे जी। तो दूसरा टर्टल मैं आपको दिखाना चाहूंगा, रीफ टर्टल। रीफ टर्टल, रीव ओके। तो ये रीफ टर्टल है, रीफ टर्टल का जो प्राइस है वो सेम गोल्डन ट्रेड टर्टल जैसा ही है। आपको ये रीफ टर्टल देख के थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा क्योंकि काफी बच्चा है वो। अच्छा। इसमें आप देख सकते हैं रीफ टर्टल, ये भी आपको गोल्डन ट्रेड टर्टल जैसा ही दिखता है लेकिन पैटर्न इसके जो ऊपर के है वो अलग है जी। हाँ, ये रीफ टर्टल है। रीफ टर्टल के अंदर भी मेरे पास रीफ टर्टल है, चाइनीज लॉन्ग टेल टर्टल है, उसमें भी 2 वैरायटी आते हैं। तो ये भी 4,500 रुपए ईच पीस का प्राइस है okay. और इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ, हमारे पास एल्बाइनो सॉफ्ट शेल टर्टल। आप इसका नेक देख सकते हैं कितना जी, बड़ा जी. आता है और इसकी आईज देख सकते हैं एकदम रेड कलर में right. प्लस अगर इसकी ये गर्दन अंदर ले लेगा तो पता ही नहीं लगेगा कि इसकी है भी मुंडी या नहीं। और ये स्विमिंग करने के इसके जो पैर है आप देख सकते हैं, कम्प्लीट स्विमिंग पैर है इसके। तो ये अल्बाइनो सॉफ्ट शेल टर्टल है जी जी। ये 2,500 रुपए का ईच पीस है okay. और इसमें भी जो है वो मेल फीमेल हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं okay. और ये ज्यादातर जो है काटने को दौड़ते हैं जब बच्चे में रहते हैं जी।
तो ज्यादातर ट्राई करते हैं काटने को और ये पानी में 24/7 पानी में ही रहना इनको पसंद है। हाँ, अल्बाइनो रेडियर स्लाइडर सॉरी अल्बाइनो सॉफ्ट शेल टर्टल को जो है ज्यादातर पानी रहना पसंद है और ये 24/7 पानी में ही रहना पसंद करता है। और इसका जो प्राइस है वो 2500 रुपए पीस है। और मैं दूसरा बताऊंगा एक्सपेंसिव टर्टल जो है वो अल्बाइनो रेडियर स्लाइडर है, बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्पीशी। इसके आप आंख देख सकते हैं, रेड कलर के आंख हैं, अल्बाइनो रेड ईयर, आप इसका रेड कलर इधर आप देख सकते हैं, ईयर के पास जो रेड है वो डार्क रेड है, दिख रहा होगा इतना डार्क दिख रहा है, देखिए तो ये डार्क है अल्बाइनो रेडियर स्लाइडर। और ये जो बड़ा हो जाता है इसमें और भी ब्यूटीफुल लगेगा और इसमें भी मेल फीमेल ये वगैरह भी है मेरे पास। इसका जो प्राइस मैं कोट कर रहा हूँ 22,000 का। अगर किसी को क्वांटिटी में चाहिए तो रीजनेबल प्राइस भी मिल जाएगा। और टर्टल्स में मेरे पास नई नई जो स्पीशीज आते रहती है वो नई नई स्पीशीज का भी जो है वो मैं मेरे चैनल पे अपडेट करते रहता हूँ। और इसमें भी आपको मेल फीमेल मिल जाएंगे। सो कर्नाटका एक्वेरियम हैज गॉट मोर टर्टल्स एंड ये थोड़े से बड़े साइज के हैं एंड और भी वैरायटीज है इनके पास, तो जान लेते हैं इनके बारे में। जी भाई, तो भाई जैसे आप ये देख सकते हैं पेंटेड टर्टल, आप इसकी मार्किंग देख सकते हैं, इसका बैक शेल देख सकते हैं, काफी ब्यूटीफुल है लुक वाइज आप अगर देखेंगे काफी ब्यूटीफुल टर्टल है। पेंटेड टर्टल इसको बोला जाता है और इसमें भी आपको मेल फीमेल मिल जाएंगे जी। इसका जो पेयर का प्राइस है वो 40,000 रुपीज पेयर है, 40,000 रुपए का पेयर है जी। और इसमें भी मेल फीमेल है। पेंटेड टर्टल वन ऑफ द ब्यूटीफुल टर्टल बिकॉज ये ज्यादातर जो प्लांट्स की जगह आती है वैसी जगह रहना पसंद करते हैं, प्लांट्स में हाइड वगैरह करना पसंद करते हैं जी। तो इनका मैंने डाइट जो काफी ब्यूटीफुल इनको देता हूँ, बिकॉज आपको पता है मैं ज्यादातर मजूरी पे ही बिलीव करता हूँ, तो इनको मैंने मजूरी स्टार्ट किया हुआ है। तो एक पीस का जो है वो प्राइस है 20,000 रुपीज, अगर पेयर लेना चाहते हैं तो 40,000 रुपीज। इफ दे आर टेकिंग मोर क्वांटिटी विद द मोर वराइटीज ऑफ टर्टल तो थोड़ा प्राइस रीजनेबल कर दूंगा, बिकॉज इतना वैरायटी लेने से थोड़ा बजट भी बढ़ जाता है। तो उनके लिए जो है मैं उनको डिस्काउंट भी अच्छा खासा दे दूंगा। तो पेंटेड टर्टल के बाद जो मैं बताने वाला हूँ वो है स्पॉटेड टर्टल। स्पॉटेड टर्टल ऑल्सो वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्पीशी बिकॉज आप इसका सर देख सकते हैं। सर आपको कैसे लग रहा है सही सही बताओ, कछुए की तरह लग रहा है या सांप की तरह लग रहा है? मुझे फ्यूजन लग रहा है ये। तो ये काफी अलग अलग स्पीशीज का जैसे सर लगता है, बिकॉज ये टर्टल को लगता ही नहीं है कि टर्टल का सर है, इसको स्पॉटेड टर्टल बोला जाता है। और इसका आप शेल देख सकते हैं, एकदम अलग ही कलर का सीमेंट कलर का जो है इसका शेल है। और इसकी बॉडी कलर आप देख सकते हैं, बॉडी इसकी जो मतलब इसकी जो स्किन है वो एकदम इतनी नाजुक है, पता नहीं कुछ लग गया है फट गया ऐसे लग रही है। और इसमें भी मेरे पास जो है मेल फीमेल है। इसका जो ईच प्राइस है वो 20,000 रुपीज ईच प्राइस है। और इसमें पेयर लेंगे तो आपको 40,000 रुपीज पेयर लग जाएगा। जैसे कि मैं बता रहा था, अगर इसमें पूरे वराइटीज टर्टल ले रहे हैं, जैसे काफी सारे कलेक्टर्स आते हैं उनके लिए काफी सारे वैरायटीज चाहिए होता है, तो इतनी सारी वैरायटी है मे बी इंडिया में किसी के पास नहीं है। तो इतना वैरायटी लेने से मैं इनको काफी अच्छे डिस्काउंट में दे दूंगा। जो इसका नाम है स्पॉटेड टर्टल, स्पॉटेड टर्टल्स बहुत अच्छे रहते हैं भाई। इसमें आप जब इसको पालेंगे तभी पता चलेगा, बिकॉज दे आर अ वेरी टैलेंटेड टर्टल्स। जब भी आप इनको फूड पैकेट दिखाएंगे तो ऐसे भाग के आएंगे जैसे इनको आप 100 साल से भूखे रखे हुए, ऐसे एकदम दौड़ के भाग के आएंगे। तो नेक्स्ट टर्टल जो मैं बताने वाला हूँ वो येलो बेली हाइब्रिड म्यूटेशन है। आप इसका शेल देख सकते हैं, ये येलो नहीं है, ये थोड़ा लेमन कलर अलग ही कलर में आया हुआ है। तो इसका आप इधर देख सकते हैं, ये सर अगर आप देखेंगे तो येलो बेली का सर लगेगा। और इधर आप पैटर्न देख सकते हैं, ये पूरा आपको डिफरेंट पैटर्न ही है और येलो बेली को ये सब शेल पे नहीं आता है। और इधर के आप शेल पे देखेंगे तो येलो बेली का साइज जो है इतना हाइट कभी नहीं होता है, और जो ये कांटे जैसे आपको दिख रहे हैं तो ये कांटे वगैरह उसमें येलो बेली में नहीं आते। तो येलो बेली में ये हाइब्रिड है और ये सिर्फ मेरे पास 2 ही पीस है। और इसका भी जो है मैं प्राइस कोट कर रहा हूँ, ये मेल फीमेल है एक्चुअली, ये आप देख सकते हैं फीमेल काफी थोड़ी बड़ी है और मेल थोड़ा छोटा है उससे, क्योंकि दे आर 1 मंथ डिफरेंट और अलग ब्लड लाइन से है, मेल फीमेल अलग अलग है, तो इनसे ये अलग अलग टर्टल्स निकले हैं।
लेकिन इसमें आप मेल फीमेल कंफर्म कर सकते हैं, बिकॉज आप इधर शेल वगैरह भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कंफर्म है। तो इसका जो मैं प्राइस कोट कर रहा हूँ वो 40,000 रुपीस पैर का कोट कर रहा हूँ। तो इसमें एक्चुअली इसको मैंने कुछ नाम रखा नहीं है बिकॉज दे आर म्यूटेशन, इंडिया में पहली बार म्यूटेशन हुआ है, तो इसको मैंने अभी तक के नाम रखा नहीं है। काफी जल्द अगर इसके बच्चे जैसे कि नेक्स्ट बैच में आएंगे, काफी क्वांटिटी में होगी, तो 100% इसका भी कुछ नया नाम मेरी तरफ से रखूंगा। और ये आप देख सकते हैं मेसेपियन मैप टर्टल, ये मेसेपियन मैप टर्टल आप देख सकते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल टर्टल। और ये भी रेडियर स्लाइडर जैसे ही होते हैं। इसका आप शेल देख सकते हैं, एकदम मतलब पूरा कट 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 जी, कट जी, कुछ और अलग ही है। हाँ, इसकी गर्दन का कलर देखिए, काफी ब्यूटीफुल है। और इसके सर पे आप ये मार्किंग देख सकते हैं, कितना प्यारा लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और इसके ऊपर जो है वो काटे हैं, आप इधर देख सकते हैं। तो ये एकदम डिफरेंट लुक देता है टर्टल में, क्योंकि काफी सारे जो टर्टल आते हैं ऊपर से सॉफ्ट आते हैं, सफा चट होके आते हैं, तो इसको काटे वगैरह आए हुए हैं। और इधर आप देख सकते हैं ये इधर का जो शेल पैटर्न है, ये भी आप देख सकते हैं। ये मेसेपियन मैप टर्टल है, और इसका जो प्राइस मैंने कोट करा है वो 11,000 रुपीज ईच पीस। और इसमें भी मेल फीमेल मिल जाएंगे, और हमारा ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। और इतने टर्टल्स मैंने आपको दिखाने के बाद मैं यही बोलूंगा कि इतना प्यारा अगर आप कलेक्शन नहीं रख सकते तो टर्टल की हॉबी करके मतलब ही नहीं है। बिकॉज आई हैव मेनी कलेक्शंस ऑफ टर्टल्स, ब्यूटीफुल टर्टल्स। इसमें काफी सारे जो स्पीशीज है वो काफी बड़े हो जाते हैं, और बहुत सारे स्पीशीज है वो जो रेडियर स्लाइडर जैसे उतने साइज में रहते हैं। तो इन सब के मैं आपको फिर से नाम बता देता हूँ। पहला तो मैं आपको स्नैपिंग टर्टल बताया जी। और दूसरा पिंक बेली बताया, कॉमन रेडियर स्लाइडर मैंने आपको बताया, पीकॉक टर्टल बताया, अल्बाइनो रेडियर स्लाइडर बताया, और मैंने आपको बताया रीफ टर्टल बताया आपको, और अल्बाइनो सॉफ्ट शेल टर्टल मैंने आपको बताया, और मैंने आपको पेंटेड टर्टल बताया, स्पॉटेड टर्टल बताया, मेसेपियन मैप टर्टल बताया आपको, और येलो बेली का जो है वो हाइब्रिड टर्टल मैंने बताया। तो इतने सारे वैरायटी आप एक जगह पे खरीद सकते हो, ओनली एट कर्नाटका एक्वेरियम। सो वी सॉ 11 वराइटीज ऑफ टर्टल्स एट कर्नाटका एक्वेरियम। ऑनेस्टली इतने सारे टर्टल्स के वराइटीज मैं पहली बार देख रहा हूँ, एंड ऑनेस्टली भाई अकॉर्डिंग टू माई बेस्ट नॉलेज मुझे नहीं पता कि इसके अलावा और कहीं पे मिलते भी होंगे या नहीं। मुझे तो मेरे हिसाब से लगता है कि कर्नाटका एक्वेरियम इज द वन एंड ओनली एग्जॉटिक पेट स्टोर जहाँ पे इतने सारे टर्टल्स मिलते हैं। तो आपने डिलीवरी के बारे में बता दिया, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल, ऑल्सो प्राइसेस भी सबके बता दिए। तो क्योंकि आप होलसेल भी करते हो, तो मुझे बहुत सारे शॉप ओनर्स, फिश शॉप ओनर्स ने पूछा है कि क्या ये टर्टल्स लीगल है, क्या हम इन्हें परचेस कर सकते हैं, क्या गारंटी है, क्या सही में है ये, क्या रियलिटी है। तो बहुत सारे सेलर्स को ये कन्फ्यूजन है, वो परचेस करना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या सैयद भाई हमको होलसेल में दे सकते हैं, क्वांटिटी में दे सकते हैं, रेडियस स्लाइडर हो या अनकॉमन टर्टल हो या कोई भी टर्टल हो जो वो लेना चाहे, तो दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड अबाउट इट। तो क्या आप इस वीडियो के जरिए उनका कन्फ्यूजन दूर करना चाहेंगे? अगर वो इंटरेस्टेड है लेने में तो क्या आप सप्लाई कर सकते हैं होलसेल में उनको? जी, पहली बात तो मैं ये बता दूं, सभी टर्टल पूछने से मिलता नहीं है, बिकॉज थोड़े बहुत टर्टल्स और टॉर्टाइस जो है वो इंडियन बिलोंग करते हैं, इंडियन नेटिव हम लोग सेल नहीं कर सकते। ओनली वी कैन सेल एग्जॉटिक वराइटीज ऑफ टर्टल प्लस टॉर्टाइस। टॉर्टाइस में आपको काफ़ी सारे जो है एग्जॉटिक वराइटी जो है वो मेरे पास मिलते हैं, और जितने भी मैं आपको टर्टल्स बता रहा हूँ 100% लीगल हैं, इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। ऐसा डॉक्यूमेंट के लिए थोड़ा अलग से चार्ज लगता है, वो मैं आपको बता दूंगा, बिकॉज यू कैन, इफ़ योर बिजनेस, आपका अगर बिजनेस है तो उसमें आपको जो भी प्रोसीजर है वो मैं कॉल पे आपको समझा दूंगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए जो है, अगर आपको डिटेल, जैसे कि एक रेडियर स्लाइडर रख लीजिए, क्योंकि रेगुलरली जो शॉप पेट शॉप्स हैं उन पे जो है सिर्फ और सिर्फ रेडियर स्लाइडर ही बेचते हैं। अगर आप मेरे साथ जो है जुड़ना चाहते हैं, इंक्लूडिंग आप रेडियर स्लाइडर के साथ काफ़ी सारे जो है स्पीशीज आप सेल कर सकते हैं, उनके सब आपको डॉक्यूमेंट जो है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बिकॉज 100% इफ दे आर लीगल तो ही मैं शॉप पे सेल कर रहा हूँ। बिकॉज मैं भी कोई 30 मार का नहीं हूँ जो ओपन सेल कर रहा हूँ, बिकॉज दे आर 100% लीगल टर्टल्स दैट आई एम शोइंग यू। और इसके बारे में आप ज़्यादा डरिए मत, बिकॉज इफ फॉरेस्ट पीपल ऑल्सो डोंट नो, प्लीज यू कैन एक्सप्लेन देम दे आर लीगल।
और इसके बारे में आप जो भी जानते हैं उनको आप समझाइए तो वो समझ जाएंगे, बिकॉज उनको भी ज़्यादा जानकारी इन सब चीज़ों में नहीं रहती है, और जो भी वो पढ़ाई करके रहते हैं वो इंडियन लॉ के हिसाब से पढ़ाई करके रहते हैं। मैं उनको भी गलत नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज वो जो पढ़ाई करके रहते हैं वो इंडियन लॉ के, इंडियन स्पीशीज के बारे में जो है वो जान के रहते हैं। तो वो आप एकदम कुछ नई स्पीशी लेके आए तो वो सोचेंगे ये भाई हमने नहीं देखा स्पीशी, ये नई स्पीशी दिख रही है, तो वो खुद कंफ्यूजन हो जाते हैं। इस मामले में जो है वो आपको अरेस्ट करते हैं, तो अरेस्ट वगैरह होने का इसमें चांस नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग फर्स्ट ऑफ ऑल एनी इल्लीगल ड्रग वेपन और एनीथिंग। तो आप ड्रग या वेपन नहीं बेच रहे हो जो आपको अरेस्ट कर लेंगे, सिर्फ आप टर्टल्स और एनिमल्स प्रोवाइड कर रहे हो उनको, तो दे आर नॉट एनी इनडेंजर स्पीशी। प्लस इनडेंजर पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर वो इनडेंजर स्पीशी है तो उसको बेचने से थोड़ा दूर रहिए, और अगर आप उसको ब्रीड कर रहे हो तो उसको ब्रीड करके जू पे प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर एनी अदर कंट्री दे हु दे रिक्वायर्ड एनिमल आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो, बिकॉज वो मरने से अच्छा है उनकी जो पॉपुलेशन है वो आप बढ़ाइए ताकि आपका भी कुछ नाम हो सके। ऐसा मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, काफ़ी सारे मेरे पास जो है इनडेंजर स्पीशी हैं जो उनको मैं ब्रीड करके अदर कंट्री को सप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि उनको बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उनको डोनेट दूंगा, अडॉप्ट के लिए दूंगा, ताकि जब भी मैं वो कंट्री पे जाऊं तो कुछ मेरा रेस्पेक्ट बना रहे, बिकॉज आई एम ब्रीडिंग अ ब्लू केमन इगुआना, लेसर एंटेलियन इगुआना प्लस पैनकेक टॉर्टल्स, दे हैव अ वेरी 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 इंडेंजर स्पीशी, तो वो मैं ब्रीड कर रहा हूं। मेरे पास अभी रिसेंटली 5 बच्चे हुए थे तो मैंने उनको एक्चुअली में दे दिया था कस्टमर को, तो ऐसा मैं नेक्स्ट कंट्रीज में देना चाह रहा हूँ जू वालों के लिए, या फिर अदर जो साइंटिस्ट वगैरह आते हैं उनको मैं प्रोवाइड करूंगा, बिकॉज अगर वो ज़्यादा ब्रीड होंगे वाइल्ड कॉट में रहेंगे तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हम लोगों को जो ये टर्टल्स मिले हैं ये वाइल्ड से ही मिले हैं, वाइल्ड से कैप्टिव में आके कैप्टिव से ब्रीड होके आपके घर पे आ रहे हैं, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। तो इस बारे में आप ज़्यादा मत सोचिए लीगल इलीगल, इलीगल जो भी है वो इंडियन वैरायटी पे आप हाथ डाल रहे हैं पक्का आप जेल जाने वाले, बिकॉज इंडियन वैरायटी में ना मैं सपोर्ट कर सकता हूँ ना कोई अदर। आप अगर किसी भी 30 मार्खान को भी जानते हो वो यूज नहीं आएगा, बिकॉज दे आर अ इंडियन स्पीशी, यू आर डूइंग रॉन्ग, तो 100% आपको सजा के तौर पे जेल भेजेंगे ही भेजेंगे, और उसके लिए कुछ फाइन भी लगता है इलीगल स्पीशी बेचने का, तो वो सब मत करिए। इलीगल स्पीशी बेच के मतलब नहीं है, जब हमारे पास इतने ब्यूटीफुल टर्टल्स हैं जो वैरायटी हम चाह रहे हैं वो वैरायटी जब हमारे पास है तो मतलब ही नहीं है भाई इंडियन टर्टल टॉर्टाइस पालने का। क्योंकि जब देखिए आपको मैं सलकट्टा और इंडियन स्टार सेलेक्ट करूंगा तो आप ज्यादातर लोग मुझे पता है सलकट्टा ही सेलेक्ट करोगे, बिकॉज सलकट्टा इज वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट स्पीशी, स्टार होता इतना है उसको पालने का भी मतलब नहीं है, तो वो सब कंफ्यूजन में मत रहिए। तो दूसरी बात जो मैं हमारे भाई जो बेटे हैं SJ उनको मैं बताना चाहूंगा, ये 100% लीगल है, ज्यादा इसके बारे में और दिमाग मत करिए, बिकॉज आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं क्या लीगल है क्या इलीगल है इंडिया में, और इनके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं मेरे आई थिंक यूट्यूब पे भी जो है लीगल इलीगल वगैरह के बारे में बता के हूँ, आप उधर जाके देख सकते हैं। तो इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोल सकता भाई, डॉक्यूमेंट है 100% लीगल है, जिसको भी चाहिए उनको डॉक्यूमेंट बना के दे देंगे, दे कैन ऑल्सो सेल। ऑलराइट भाई, बहुत बढ़िया कहा आपने, वेरी वेल सेड, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर शोइंग सो मेनी वराइटीज ऑफ टर्टल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। सो ये था कर्नाटका एक्वेरियम में हमने शोकेस किया आपको इतने सारे वराइटीज, टोटल 11 टाइप्स ऑफ टर्टल वराइटीज। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो वीडियो के शुरू में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, ऑल्सो इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन अलॉन्ग विद द एड्रेस, वहाँ पर आप इंक्वायरी कर सकते हो रिगार्डिंग प्राइजेस अबाउट मोर देन वन टर्टल या डिलीवरी के बारे में। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड हैव वंडरफुल डे अहेड। ऑल्सो बताइए कि आपको कौन सा टर्टल सबसे ज्यादा पसंद आया या ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा। ऑलराइट देन, आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम इन अनदर इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग वीडियो कमिंग सून ऑन SJ इंसेप्शंस। डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो व्हिच टर्टल यू लव द मोस्ट और व्हिच टर्टल यू लाइक द मोस्ट बेस्ड ऑन देयर पैटर्न, शेप और साइज़।